हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कुक हाउस। राजस्थानी दाल ढोकला बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है और आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्टी भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक कप तूर दाल और एक कप मूंग दाल ले रही हूँ, छिलके वाली। इन्हें मिक्स करके अच्छे से धो लेंगे और भिगो के रख देंगे। और इसके बाद यहाँ मैंने लिया है एक कप आटा, एक चौथाई कप बेसन, एक चौथाई कप सूजी। और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा और एक टीस्पून नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। और इसमें आधा टीस्पून हींग भी डाल देंगे। अब डालेंगे करीब 3-4 टेबलस्पून घी और इसे अच्छे से हाथों से मसल कर मिक्स करेंगे कि ये पूरे मिक्सचर में लग जाए। इससे ढोकले स्वादिष्ट और नरम बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे और ध्यान रहे कि पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालें और आटा गीला ना हो। इसके लिए आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। आटा लगाने के बाद इसे हम ढक कर रख देंगे। और अब जो दाल हमने भिगो कर रखी थी उसे एक कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे। उसके बाद पानी डालेंगे और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पून नमक डालकर मिला देंगे और ढक्कन लगाकर 2-3 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। और अब मैंने दूसरी तरफ एक भगोनी ली है, उसमें 4-5 कप पानी लिया है। इसे ढक देंगे और उबाल आने देंगे। इतनी देर में ढोकले का आटा भी सेट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसे हम हथेली और उंगलियों से प्रेस करके इस तरह से फ्लैट कर देंगे। ये छोटी साइज़ की ढोकले पकने में और खाने में तो आसान रहते ही हैं, साथ ही ये दिखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। तो इसी तरह से हम सारे ढोकले हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो पानी हमने बॉईल होने के लिए रखा था उसमें ये ढोकले डाल देंगे। ध्यान रहे कि इसे उबलते हुए पानी में ही डालें, नहीं तो ये आपस में चिपक सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बीच में ढक्कन हटाकर देखेंगे और चला देंगे। अगर पानी बाहर आ रहा हो तो ढक्कन आधा ही कवर करें। जैसे जैसे ढोकले पकने लगेंगे ये पानी के ऊपर आ जाएंगे और फिर इसे और 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून घी, और घी गर्म होने पर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून हींग, थोड़ा सा लहसुन क्रश किया हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन्हें हल्का सा पकाएंगे और उसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज करीब 1 कप, और प्याज को हम चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1-1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक, और मिक्स कर मसाले थोड़े पका लेंगे। अब इसके बाद डालेंगे 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर और इन्हें भी चलाते हुए सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसमें जो ढोकले बॉईल कर हमने रखे थे उन्हें डाल देंगे, साथ ही जो पानी उसमें था वो भी, उसे फेंके नहीं। इन्हें मिक्स करेंगे और फिर जो दाल हमने बॉईल की थी उसे भी इसमें डालकर मिला देंगे। इन सबको 3-4 मिनट के लिए एक साथ अच्छे से मिलाएंगे और फिर डालेंगे हरा धनिया जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देगा। अब इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसके साथ आप प्याज और नींबू अगर खाएंगे तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। राजस्थानी दाल ढोकले बनकर रेडी है। आप भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाली रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।